तो अब बात कर लेते हैं गुजरात को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के आकलन की। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार एक बार फिर से गुजरात में बन रही है बीजेपी की सरकार। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 136 से 138 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को मात्र 30 से 31 सीटें, आम आदमी पार्टी को 8 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है और गुजरात में सरकार बनाने के भाव 8 से 10 पैसे के हैं। फलौदी सट्टा बाजार जिसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जो अनुमान है वो क्लोज तक पहुंचा देता है। ये सट्टा बाजार इसका भाव तोड़ भी करना शुरू हो गया है। गुजरात में सरकार बनाने के लिए भाव 8 से 10 पैसे के हैं और इस सट्टा बाजार के अनुसार एक बार फिर से गुजरात में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूरी कोशिशें यहाँ पर जितनी भी अपनी सरकार को, अपनी गढ़ को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर उस शीर्ष चेहरे ने की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से मैदान में उतरे हुए नजर आए। रोड शोज किए, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, वो यहाँ पर सार्थक होता हुआ इस फलौदी सट्टा बाजार के आकलन के हिसाब से नजर आ रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी को भारी बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनते हुए तस्वीर नजर आ रही है। कांग्रेस को 30 से 31 सीटें मात्र, और अगर ये सट्टा बाजार का आकलन और जो सारे तमाम एग्जिट पोल्स हैं उनके आकलन कांग्रेस के लिए सही साबित होते हैं तो फिर एक बड़ा चिंतन यहाँ पर करना होगा, क्योंकि विगत 2017 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें हासिल हुई थी और 77 से अगर 50 से कम पर भी पहुंचते हैं तो जो अंतराल है, जो गैप है सीटों का, वो एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि मजबूती की कोशिश थी लेकिन मजबूती के अलावा अगर वहां पर लैक हुआ है लोगों का विश्वास कांग्रेस में तो फिर एक चिंतन इस पर भी बनना लाजमी है। लेकिन तमाम चीजें 8 दिसंबर को क्लैरिटी के साथ सभी के सामने आएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार एक बार फिर से गुजरात में बन रही है बीजेपी की सरकार, वो भी पूरे बहुमत के साथ। एक स्वतंत्र तौर पर बहुमत के साथ की सरकार, पूरी जानकारी के साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी आदिति इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आदिति, एग्जिट पोल्स आने लगे हैं और एग्जिट पोल्स के अनुसार, फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार गुजरात में भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, क्या कहेंगे? आदिति आवाज पहुंच रही है आप तक जी। फलौदी सट्टा बाजार हो या तमाम जो एग्जिट पोल्स हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद उत्साहित होने वाली एक खबर है कि उनको हर एग्जिट पोल में सरकार न सिर्फ गुजरात में बल्कि हिमाचल में भी बनती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर अगर हम फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है जी। और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आ रहे हैं। केवल एमसीडी के चुनाव के अलावा बहुत बड़ी खुशखबरी जिस तरीके से रुझान नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। और ना सिर्फ जीत की ओर, जबकि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है भारतीय जनता पार्टी ने, कार्पेट बॉम्बिंग करी है, ठीक वैसे ही नतीजे जो है इससे नजर आ रहे हैं। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से 8 से 9 सीटें आम आदमी पार्टी भी गुजरात में लेती नजर आ रही है। ये एक बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो सरकार बना रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन ये ऐसी बात है जो उनको चिंता में आगे के लिए डाल सकती है। हालांकि ठीक उसके कर हिमाचल में ये भी बताया जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से कि हिमाचल में खाता नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का। तो तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही राज्यों में
सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सरकार भी बन रही है और रिकॉर्ड तोड़ जो है इस आंकड़ों के साथ सरकार बनती नजर आ रही है। केवल एमसीडी चुनाव की अगर बात छोड़ दें, एमसीडी चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतती नजर आ रही है, लेकिन गुजरात और हिमाचल दोनों में, हालांकि लगातार ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी कि हिमाचल में वो सरकार बनाएंगे और चाहे मार्जिन पे बनाए, लेकिन सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल्स नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये तमाम खबरें नजर आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों ही जगह सरकार बीजेपी बनाती नजर आ रही है और बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये जीत नजर आ रही है। और इससे आगामी चुनाव पर और पार्टी की जाहिर तौर पर मनोबल पर बहुत बेहतर असर यहाँ पे पड़ेगा। बिल्कुल अदिति, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा भी जाता है कि 24 घंटे और 365 दिन चुनावी मोड में, और ये एग्जिट पोल्स उत्साहित करने वाले। बहुत शुक्रिया अदिति पूरे विश्लेषण के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए और चुनावों में जितने भी प्रदर्शन थे उसके लिए आज एक उत्साहित करने वाले एग्जिट पोल्स और फलौदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर से क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, फलौदी और शेखावाटी जिसको हम कहते हैं चूरू, ये दोनों ही जगह पर सट्टा बाजार काफी अहमियत रखता है और ये इंटरनेशनल वाइड पूरा सट्टा बाजार चलता है, पॉलिटिकली काफी करीब रहता है। हालांकि चुनाव परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, बिहार का जो इलेक्शन था उसमें ये धराशायी हुए थे, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्माण की ओर अग्रसर यह सट्टा बाजार बता रहा है। और जैसा अदिति ने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन बीजेपी का रहेगा, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह की प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात के चुनाव कैंपेन को हैंडल किया और जिस तरह हिमाचल के चुनाव प्रचार को हैंडल किया गया, मुझे लगता है जो विचार परिवार है उसका भी पूरा फोकस था। और इस बार आम आदमी पार्टी दोनों ही जगह पर मैदान में थी और सबसे ज्यादा ये आकलन रहेगा कि आम आदमी पार्टी का खाता खुलता है, यानी खुलता खाता गुजरात में खुलता है, तो ये वाकई में सोचनीय बात रहेगी भारतीय जनता पार्टी के या भगवा ब्रिगेड के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी तक के जो एग्जिट है उसमें बीजेपी के लिए एक हर्ष की खबर हो सकती है दोनों ही जगह से, पर खासतौर पर हिमाचल में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक अमूमन ये एक मिथक बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का, वो हिमाचल में टूटेगा और दूसरी ओर लगातार सरकार बनाने का रिकॉर्ड गुजरात में बनेगा, वहां कमल खिलेगा। एग्जिट को माने तो वहां पर कहा जा सकता है कि दोनों जगह, और इसका जो दूरगामी परिणाम होने हैं, क्योंकि इस साल और भी कुछ राज्यों में जहाँ कहा जा सकता है कि अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं जी, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर बीजेपी पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में होगी। और ये भी बात सही है कि दोनों ही जगह अभी बीजेपी की सरकार है और दोनों ही जगह बीजेपी अगर पूर्वानुमानों के तहत रिपीट होती है तो ये भी बीजेपी के थिंक टैंक के लिए काफी राहत भरी बात होगी। बिल्कुल योगेश जी, और अगर उस चुनाव पर हम जाकर देखें जो कि विगत चुनाव था 2017 का, जिसमें 150 प्लस के दावे भारतीय जनता पार्टी करी थी, लेकिन 99 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन तब से लेकर अब जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल था। कहीं ना कहीं जो सभी की सक्रियता थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने रोड शोज करते हुए देखा और तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे वो स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो ये सक्रियता कहीं ना कहीं काम आई है इस अंतर को भरने के लिए 100 के पार? देखिए, एग्जिट पोल्स की अवधारणा जो होती है वो पुराने रिकॉर्ड और जो मत प्रतिशत होता है उसके आधार पर अलग अलग जो क्षेत्रों के जो वहाँ का जो वोटिंग का पैटर्न होता है उसके आधार पर निकाले जाते हैं। और ये कहा जा सकता है कि अमूमन कई बार ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जैसे गुजरात का चुनाव है तो गुजरात क्योंकि संघ बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है, गुजरात वो स्टेट है जहाँ पर पिछले कुछ सालों से बीजेपी का सूरज अस्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में जब आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया वहाँ पर पूरी ताकत झोंकी है, तो वो
कहा जा सकता है। लेकिन योगेश जी, जो एग्जिट पोल्स कांग्रेस की स्थिति बता रहे हैं चुनावों में, और खासतौर पर गुजरात के एग्जिट पोल्स, तो कांग्रेस के लिए एक बार फिर से सोचने विषय हो जाएगा अगर ये एग्जिट पोल्स या इसके आसपास भी पहुंचते हैं तो 77 से फिर इस पर पहुंचना, जहां पर मुश्किल से कहीं ना कहीं 51 दिखा या फिर 42 दिखा, 46 दिखा। सही बात सही है। वैसे जो दावा था गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, वो ये था कि वो 140 सीटों को का दावा है, 140 से 150 के बीच में। आखिरी बार माधव सिंह सोलंकी, जो कांग्रेस का राज था, माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस राज आया था, उस जमाने में 150 सीटें आई थी, मतलब कांग्रेस ही लेकर आई थी गुजरात में। लेकिन उसके बाद कुछ सालों बाद पराभव का दौर गुजरात में शुरू हो गया था कांग्रेस का। बीजेपी चाहती है कि बीजेपी भी उस फिगर तक अभी तक नहीं पहुंची है गुजरात में, तो बीजेपी उस जो पुराना एक इतिहास है, जो कांग्रेस शासित इतिहास रहा है, उसको तोड़ना चाहती है। ऐसा अमित शाह ने बोला भी था कि हम इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे, पुराने इतिहास को बदलेंगे। देखते हैं परिणाम किस तरह के आते हैं। बिल्कुल, चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और पूरे विश्लेषण के लिए। तो ये एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं हिमाचल और गुजरात, और साथ ही देखिए आज गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, और चुनाव संपन्न होने के साथ में ही जो अब चीजें हैं और चलिए फिलहाल और ज्यादा विश्लेषण और ज्यादा इस चीज को गहराई से समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत जी, एग्जिट पोल्स आने लगे हैं और एग्जिट पोल्स साफ तौर पर यही बता रहे हैं कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में और हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन। जी देखिए, बिल्कुल एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें तो भाजपा की बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप सारे अंतों का विश्लेषण करें तो जो पिक्चर मेरे सामने उभर कर नजर आ रही है, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा विश्वसनीय एग्जिट पोल नहीं लग रहे हैं जिस हिसाब से ग्राउंड की पिक्चर थी। और कांटे की टक्कर, कांग्रेस की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर मुझे नहीं लग रही थी हिमाचल में जितनी की एग्जिट पोल में नजर आ रही है, तो कांग्रेस भी अभी कांटे की टक्कर में मुझे लगता आएगी। और जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार आपको दिखाई दे रहे हैं कि 7-8-10 तक लोग दिखा रहे हैं और एग्जिट पोल में अलग अलग तरह से आ रहा है, तो निर्दलीय एक महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में सरकार बनाने के उसमें निभाने वाले हैं। तो जहां तक बात करें तो पार्ट पर फिर भी एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए तो बहुत ही अच्छा रहा है, जितनी उम्मीद खुद बीजेपी ने नहीं की थी उससे ज्यादा अच्छे नतीजे एग्जिट पोल में उसे नजर आ रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को उस हिसाब से थोड़ी निराशा हुई होगी एग्जिट पोल को देखकर, क्योंकि कांग्रेस अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस बहुत ज्यादा इस बात पर उन्हें विश्वास था कि वो इस बार क्लियर कट बहुमत लेकर सामने आएगी, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में उसे क्लियर बहुमत अगर आप देखें, स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी शशिकांत जी, और एक और चीज है जो एग्जिट पोल के जरिए अटेंशन को ग्रैब करी है, वो है हिमाचल का जो एग्जिट पोल, और आपने जिक्र किया कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को अगर परे रखा जाए तो एक कड़ी टक्कर 8 दिसंबर के दिन देखने को मिल सकती है इस विश्लेषण के बाद में भी? टक्कर मुझे लगता नहीं कि देखने को मिलेगी, मुझे लगता है कि क्लियर कट मेजोरिटी आएगी जिस भी पार्टी की आएगी और बड़ी क्लियर आएगी, और टक्कर वाली स्थिति मुझे लगता नहीं है, एक पार्टी का पूर्ण बहुमत होगा मुझे लगता है। और आप देखना कि निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका भी उस तरह की मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगी, जो ग्राउंड रियलिटी दिखाई दे रही है। तो बड़ी क्लियर सी पोजीशन है, जिसमें मुझे लगता है मुद्दों पर आधारित चुनाव था और मुद्दे ऐसे थे जो कि क्लियर कट लोगों को विभाजित कर रहे थे, विभिन्न वर्गों को विभाजित कर रहे थे, वो पक्ष और विपक्ष में। बिल्कुल शशिकांत जी, और इंतजार करना होगा 8 दिसंबर का, क्योंकि महा एग्जिट पोल तो लगातार फोर्स इंडिया आप तक पहुंचा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उस दिन पूरी तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।